बीजेपी हिन्ना हिन्ना चौखटपा, यानी कि फिर से बार बार बीजेपी और ज्यादा से ज्यादा विकास। इस नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के चुनावी अखाड़े में कूदी तो सिर्फ एक ही मकसद था कि 2017 में जिस कंट्रोवर्शियल तरीके से सरकार बनी थी, इस बार मैंडेट चोरी का आरोप ना लगे बल्कि मैंडेट खुद बाहें फैलाकर उसका स्वागत करे, और यही हुआ। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। 5 स्टेट्स के चुनावी नतीजे आए तो यूपी से गोवा और उत्तराखंड तक बीजेपी ने हिस्ट्री लिख दिया। तो पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आम आदमी पार्टी रीजनल से निकलकर नेशनल पार्टी की लाइन में आ गई। पर इसी बीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर ने ना सिर्फ लगातार दूसरी बार बीजेपी का वर्चस्व देखा बल्कि अब कांग्रेस को वहां से भी मिटता देख रहा है। इम्फाल में श्री गोविंदा जी के मंदिर में भगवान के सामने झुके एन बीरेन सिंह सिर्फ ऊपर वाले नहीं बल्कि पूरे राज्य को नमन कर रहे हैं, जिसने एक वक्त कांग्रेस के स्टार स्ट्राइकर रहे इस शख्स को दोबारा मौका दिया, कमल को ज्यादा शान से खिलाया। खुद नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकारें जहां रही वहां कमल ने कमाल किया और मणिपुर इसका एग्जाम्पल है। पिछले 5 सालों में मणिपुर ने विकास की नई तस्वीरें देखी हैं, इससे इनकार नहीं है। सड़क, ब्रिज के साथ रेल भी मणिपुर तक पहुंच गई है। विकास की कई योजनाएं चली जिसने इस पहाड़ी राज्य को मेन स्ट्रीम में लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फायदा मणिपुर को हो रहा है, जहां बिजनेस फलने फूलने लगा है। म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर से डेवलपमेंट और तेज होगा, साथ ही जिस तरह से राज्य की पहचान इंसर्जेंसी रही है वहां शांति ने माहौल बदला है। इसके बाद स्पोर्ट्स में मणिपुर की धाक और उसे प्रमोट करने में गवर्नमेंट का साथ सबको भा गया है। ये रीजंस क्लियर इंडिकेशन दे रहे थे कि बीजेपी दोबारा आ रही है और आ भी गई है। आप क्या मानते हैं कि वो क्या वजह थी कि कांग्रेस की ऐसी हार हुई और बीजेपी को बहुमत मिला? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और इस शानदार जीत के लिए मणिपुर बीजेपी और एन बीरेन सिंह को बहुत बहुत बधाई। नमस्कार। Thank you.